Assalamu alaikum, this is Sarwar Khan for you people, and first of all so many thanks for the appreciation on my work. बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे वर्क की तारीफ़ की, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं मेरे पास कि ये इसका ट्यूटोरियल बता दें कि किस तरह ये एडिटिंग की गई है. तो पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये पहले जो स्नैप है ये एक नॉर्मल फ़ोन से ली गई है, उसके बाद कुछ इन्हांसमेंट की गई हैं कुछ एप्लीकेशन के थ्रू. अब हम अगर हम फास्ट एडिटिंग करना चाह रहे हैं अपने फ़ोन से पिक्चर एडिट करना, तो अब वो नीड नहीं होती कि हम लैपटॉप ऑन करें, पिक्चर्स में डालें और एडोब फोटोशॉप ऑन करके उसके अंदर एडिटिंग करें. अगर हम फास्ट एडिटिंग के लिए हमारे पास एंड्रॉयड ने गूगल स्टोर पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन दी हुई हैं जिसमें आसानी हम एक अच्छी पिक्चर की मैनिपुलेशन एंड एनहांसमेंट कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह की जाती हैं, उसमें क्या टूल्स हैं, उनको आपको उनसे आगाह कर दूंगा ताकि आप खुद भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो टाइम वेस्ट करे बगैर हम चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसकी ओरिजिनल पिक्चर क्या थी तो और उस पर किस तरह वर्क किया गया. तो आप ये देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सी पिक्चर है जो कि मैंने चलते हुए इस मस्जिद की ली है. बाय द वे आप देख सकते हो इसमें कोई सैचुरेशन नहीं है, कलर इन्हांस नहीं हुआ हुआ है, एक रफ़ सी पिक्चर है जिसमें काफ़ी जो ऑकवर्ड सा चीज़ वो है कि यहाँ पे वायर वगैरह कुछ ज़्यादा है जिसका असल जो मेजर टास्क है उसको रिमूव करना है, बाद में इस पर इन्हांसमेंट करनी है. तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने इसकी वर्किंग की है. दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से इसको इन्हांस किया जाता है और इस पर एडिटिंग की जाती है जो कि ख़ासतौर पर मैं यूज़ करता हूँ. तो मैं आपको उन प्लेटफॉर्म से भी आगाह कर देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देख सकते हैं मेरे इस स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन नज़र आ रही होंगी, एक पिक आर्ट के नाम से जो कि काफ़ी फेमस है और एक ऑरेंज टील के नाम से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस ऑरेंज टील को खोल लेते हैं और ये दोनों एप्लीकेशन बआसानी गूगल स्टोर पर अवेलेबल हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोड पिक्चर पर जाएंगे, गैलरी पर जाएंगे, जो भी हमारी इमेज है उसको हम सेलेक्ट कर देंगे जिसको इन्हांस करना है. ठीक है, ये हमारे पिक्चर है, इसको हमने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल. ठीक है, वैसे मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, तो ये मेरे पास अभी ओरिजिनल पिक्चर काफ़ी बैक है. तो खैर आप इसकी इन्हांसमेंट देख सकते हैं, आपने सबसे पहले ये देखें अपने मुताबिक इसको इन्हांस किया. अब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिस तहत आप चाह रहे हो कि आप उसको, ये एक्वा ब्राउन है, इसके अंदर ऑरेंज एंड टील है, मल्टीपल ऑफ इसके अंदर अफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. अच्छा, मैंने जो यूज़ किया था वो बेसिकली एक्वा ब्राउन यूज़ किया था. देन इसको हम सेव कर देते हैं. ठीक है, फिलहाल ये डैम है तो मैं आपको सेव करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दिखा रहा हूँ. फिर इस पिक्चर को हम पिक आर्ट पे खोल देंगे. ठीक है, ये कुछ एड्स वगैरह हैं जो पिकार्ट पे चल रहे होते हैं तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा. अब आप ये देख सकते हैं कि जो हम ऑरेंज टील एप्लीकेशन से कलर इन्हांस किया था वो यहाँ पे आ चुकी है वो वाली पिक्चर अब, लेकिन कलर्स तो इसमें अच्छे खासे आ गए, बट इधर जो वायर्स वगैरह हैं इसको किस तरह रिमूव करना है. तो पिक आर्ट के अंदर ये टूल होता है, बेसिकली यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और क्लोनिंग का एक ऑप्शन होता है जो आप बहुत यूज़फुल है ख़ास तौर पर रिमूव करने के लिए. सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें, ये टारगेट होता है कि आप किस चीज़ को टारगेट करके किस पर ओवरलैप करना चाह रहे हैं. हमने इस वाले पोर्शन को टारगेट किया. ठीक है, ये जब ये वाला पोर्शन टारगेट हो गया और ये ब्रश आप इस पर आप आसानी से जब लेकर आएंगे तो आप देख रहे हैं ये बराबर वाली जो चीज़ है वो कितनी आसानी रिमूव होती है दिख रही है. ठीक है, इसी तरह अब और कहाँ पर वायर्स हैं. ठीक है, ये है, ये इधर पूरा एक वायर का जो एरिया जा रहा है. दोबारा मैंने इस वाले स्पेस को टारगेट किया और इसी की क्लोनिंग, बेसिकली क्लोनिंग है, आप वहाँ से स्टैंपिंग कर रहे हो. ठीक है, वो ऊपर वाला पार्ट नीचे, ये पूरा इस तरह क्लोन करते करते एक वक्त आएगा कि आप बहुत अच्छे से इसकी क्लोनिंग कर दोगे. जैसे ये वाली वॉल है आप ये क्लोनिंग कर दो, बहुत सफाई से करनी है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ. ठीक है, ये बहुत आसानी से आप कर लोगे जब अगर आपको चीज़ें आ जाएगी. देन आपने इसको ओके कर देना, फिर इस इमेज को मैं आप सेव कर लेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सेव नहीं कर रहा, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ. तो मैं दूसरी एक एप्लीकेशन से उसी पिक्चर को बता दूंगा कि इस पर मज़ीद किस तरह इन्हांसमेंट की गई.
तो नाउ क्लोनिंग इसकी अगर कंप्लीट हो जाती है और पिक्चर आपको इस तरह स्मूथ दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका काफ़ी एम्प्टी है, तो अगर मैं चाहूँ कि इस पर कुछ मज़ीद बर्ड्स का इस्तेमाल कर लूँ, तो यहाँ पे आप स्टिकर्स अवेलेबल हैं। आप स्टिकर्स में यहाँ पे सर्च भी अगर करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको फ्लाइंग बर्ड्स। ये स्टिकर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर करता रहता हूँ अपनी कुछ मैनिपुलेशंस में। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर ये वाली बर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, अपने मुताबिक। अच्छा, दो इत्तेफाक से वो बर्ड्स अवेलेबल हैं इस पिक्चर में ही हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्हांसमेंट के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, ये अपने हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस तेज़ कम कर सकते हैं, ठीक है, इन बर्ड्स की, क्योंकि बाज़ अगर वो वाइट आ जाती हैं तो उसमें यहाँ से इन्हांसमेंट कर सकते हैं। इसको डन करके अपने हिसाब से ओपेसिटी जो है मेंटेन करें, अगर मैं बिल्कुल ही रिमूव कर दूँगा तो चली जाएगी है। आप अपने हिसाब से ओपेसिटी जो है मेंटेन कर लें, ठीक है, नॉट लाइक दिस। फिर कुछ जाएँ इस पर एडजस्टमेंट पे। अब ये पिक्चर बेसिकली बन चुकी है अपनी, अब पिक्चर पे काम करना है। सैचुरेशन अगर आपको बढ़ानी है, आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है। कंट्रास्ट अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, नहीं बनाना चाहें जो भी है अपने मुताबिक आप पिक्चर की एडिटिंग करेंगे, ठीक है। ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, कम करना चाहूँ, वट एवर, काफ़ी आसान है। पिक आर्ट जो है बहुत बहुत सारी ईज आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसकी मदद से आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेम्परेचर्स वगैरह हैं, फिर आपको सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर एक टूल आता है लेंस फ्लेयर के नाम से, लेंस फ्लेयर के नाम से एक टूल है जो कि आपको सनशाइन वगैरह दे देता है। तो अपने मुताबिक आप इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें आप इसको कर लें, जैसे कि मैंने किया हुआ। मुख्तलिफ टाइप की सनशाइन अवेलेबल हैं, देखिए एक मैंने ये यूज़ कर लिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। इसके अलावा और मज़ीद अगर इसमें करना चाह रहा हूँ तो इधर लेंस फ्लेयर और है, ठीक है, ये भी एक रिंग लेंस फ्लेयर कहलाता है। ये आपको अगर इसको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो चीज़ें आपको जहाँ ऐड करनी है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इस पर एक और टूल आपको मैं बताते चलूँ, ऑलमोस्ट पिक्चर तो रेडी हो चुकी है हमारी, लेकिन अगर हम जाएँ इस टूल पर, एक टॉपिक ये भी है कि आप लेयर पर काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ये लाइन खींची छोटी सी, इसके इस टू लेयर पे गया, ट्रांसफॉर्म में गया, इस लाइन को मैं ट्रांसफॉर्म करूँ अपने मुताबिक, अगर मुझे ज़्यादा कलर्स चाहिए या कुछ भी वट एवर, तो इसको मैंने एडजस्ट किया, ऐसे इसकी ओपेसिटी कम की। अब अपने हिसाब से मैं इसकी कलर कंट्रास्ट भी मैनेज कर सकता हूँ, मतलब अपने हिसाब से। ओवरले अगर करूँ तो वो येलोइश ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स डन। अब मैं जो है आखिर में अपनी टैगिंग करूँगा। टैगिंग कैसे करते हैं भाई, वो भी देख लें आप। इम्प्रेशन मैंने लिख लिया, मैंने इसको अपने मुताबिक जहाँ मुझे एडजस्ट करना है मैंने इसको किया, इसकी ओपेसिटी कम की और ऑलमोस्ट ये फाइनल हो गया, ठीक है। बाद में आप इसको चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ एड्स वगैरह चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है और ये हो जाती है पिक्चर, ये आपकी पिक्चर ऑलमोस्ट सेव हो गई, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और आप अपने मुताबिक अपने पिक्चर्स भी एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और बहुत शुक्रिया अगेन कि आप लोगों ने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।